वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहनना तो जायज़ है, गनीमत तो उसमें कोई ऐसी शक्ल तस्वीर या ऐसी सूरत नहीं है कि जो शरीयत में ममनू हो। नालायन मुबारक का ये तखमीना अंदाज़ा है किस तरीके के रहे होंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पापोश। अब वो वाकई ऐसे थे कि नहीं, हतमी राय तो कायम करना मुश्किल होता है। तहम ये अंदाज़ा है और बहुत सारी रिवायत को सामने रख के कुछ लोगों ने ये मुरतब किए हैं। ये अकीदत और मोहब्बत का एक सिलसिला है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन मुबारक किसी को मिले या किसी को उससे उसकी ज़ियारत की तौफीक हो या वो उसको देख सके या छू सके, तो यकीनन ये बहुत मुतबर्रिक चीज़ है, बाबरकत चीज़ है। लेकिन चूंकि ये तो खुद बनाई हुई एक चीज़ है उसके मुमासिल, तो इसका वो हुक्म नहीं है कि जो असल नालायन शरीफ का होगा। तो चूंकि इसमें ये एक दर्जे में लोग लैक्स हो जाते हैं, इसको भी वही दर्जा देने लगते हैं जो आम हाथ से बनाई हुई और इसी तरीके से उसकी कॉपी करने की अंदाज़े से कोशिश की गई है, तो उसका भी इकराम और एहतराम ऐसे करते हैं कि जैसे वो असल नालायन ही हो। इसमें थोड़ा सा गुलू नज़र आने लगता है अगर लोगों को मोहतात तरीके से समझाया न जाता रहे। तो बहरहाल अगर किसी के पास ऐसी कोई टोपी है और उसने पहनी और नमाज़ पढ़ी तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ये जहन में रहे कि ये असल नालायन नहीं है, ये उसकी उसके अंदाज़े की शक्ल बनाई है उसके अंदाज़े से, जिसका यकीनन होना या उससे मुमासिल होना कोई यकीनी बात नहीं है। अब एक ख्याल ये आता है कि अगर वाकई से मुमासिलत है जो कि यकीनन किसी न किसी दर्जे में होगी, देख के सोच के बनाई गई, तो अब क्या उसमें भी ये बेहुरमती की बात होगी कि हम उसको पहन के सजदे में जाएं? तो नहीं, इंशाअल्लाह ताला सजदा तो हम जाए नमाज पे करते हैं, पाक जगह पर करते हैं, तो वहाँ पर तो नालायन का होना कोई मजायके की बात नहीं है। और वो पाक साफ एक चीज़ है जो आपने बनाई हुई, एक इमेज बनाया हुआ है, तस्वीर बनाई हुई है, तो इसलिए इसमें कोई कबाहत नहीं है सच। लेकिन बस अगर गुल्लू की तरफ जाता हुआ इंसान लगे इस तरह, तो एहतियातन ऐसी चीज़ों से बच जाना बेहतर होता है कि जो आप तो समझते हैं इन चीज़ों की बारीकियाँ और ख्याल, लेकिन अमूमन आवाम के यहाँ ये चीज़ें खुद मकसूद बन जाती हैं और आहिस्ता 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 ख़तरा ये पैदा होता है कि इन्हीं चीज़ों को मुतबर्रिक और असल के कायम मुकाम और फिर इस कायम मुकाम की हैसियत बढ़ते बढ़ते खुदा न खास्ता इन्हीं की पूजा पाठ ही ना शुरू हो जाए, तो ये ख़तरा होता है। जबकि अहले इल्म उलमा तो इन चीज़ों को जानते हैं और बाज़ रसूख फिल इल्म आवाम जो है वो भी जानते हैं किसी न किसी दर्जे में, जो सोबत याफ्ता है उलमा के साथ बैठते हैं। लेकिन आम आदमी चूंकि इन बातों को जानता समझता नहीं है, इसीलिए उनको इस चीज़ में और ऐसी चीज़ों में एहतियात करना बेहतर होता है।